होना नहीं चाहिए, प्रॉपर किसी अच्छे कॉज के लिए वो हेयर जाने चाहिए करके मदद फाउंडेशन जो टाटा ट्रस्ट चलाता है वहाँ पे ये डोनेट होंगे हेयर, वहाँ पे उसके वीक बनेंगे और जो कैंसर पेशेंट है उनके बाल चले गए हैं केमोथेरेपी के दौरान ट्रीटमेंट के दौरान उनको वीक बना के वो मुफ्त में डोनेट किए जाएंगे। तो दूसरा सवाल ये कि जैसे माताजी ने कहा कि हमको वो जो प्रोसेस है वही होने को होना, तो इसमें क्या करेंगे जो लंबे बाल है उसमें से हम पूरे के पूरे पास में से सूर्य से ही नहीं लेंगे क्योंकि स्कल्प के पास का एरिया हमको नहीं चाहिए, वहाँ से थोड़े आगे का चाहिए। तो हम जैसे कोई है हमारे यही करेंगे आएंगे सामने, तो इनके जैसे हमने पोनी डाल दिए, पोनी टेल डाल दिए हैं, तो हम यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे और वो पैक करके प्रॉपर वे से वहाँ पे हम डोनेट करेंगे। बाकी इधर का जो प्रोसेस है जो हमारे बुद्ध धर्म के हिसाब से ही वो होगा, आपके किसी भी कार्य में कोई व्यत्यय नहीं आएगा या फिर कुछ ये नहीं होगा कि हम पूरा निकाल रहे हैं और बाकी का प्रोसेस क्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो है वही हम निकालेंगे, बाकी का जो है आप अपने हिसाब से आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। चलो ओके। हेलो हेलो। एक्चुअल में क्या है ना कि जब बाल निकालते हैं तो बाल गीला करके निकालते हैं, हाँ। और अगर इसको गीला करके निकालेंगे तो डोनेशन के लायक नहीं रहेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने तक ये मॉइस्चर के कारण उसको फंगस लग जाएगा, तो इसलिए वैसा नहीं करना है। इसमें पहले काट लेंगे और उसके बाद में जो बसता है उसको फिर वैक्स करके या अपना क्रीम वगैरह लगाकर फिर उसको हम शेव कर सकते हो, हाँ। फिर शेविंग होता है। इस समय ये कट करेंगे हम लोग यहाँ से, तो उसी समय हमको हमारा जो विधि के अनुसार हम जो बोलते हैं केसा लोमा दंता वो बाद में भी कर सकते हैं, तो वो उस समय बोलते हैं तो भी चलता है, तो भी चलेगा क्योंकि हम कट करने का शुरुआत कर रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम का भी हम चित्र देखते हैं तो वो ऐसा बाल पूरा आगे है और यहाँ से वो तलवार से कट कर रहे हैं, है ना, तो वो उतने ही बाल रहेंगे, तो उसी समय हमको वो विधि बोलना है, बिल्कुल गाथा बोलनी है। ठीक है, सविता धर्म देखो एक छोटी कैची चलो ठीक है, थैंक यू बोला कैसा, बोला कैसा लोमा दंता त्वचा दंतो दंता त्वचो दंता नखा केसा लोमा लोमा दंता केसा केसा लोमा दंता नखा नखा त्वचो अनिच्छ 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 म्हणजे तुमचे नख केस लोम दात आणि त्वचा हे सगळे जाणार आणि येणार आहे, अनित्य आहे हे पुन्हा येत राहते अटके आता तुम्हाला ब्लेड दिसत बघावं लागेल, ह्या ब्लेड नाही चालणार आहे बघा, जिलेट बघा इकडे जिलेट लोमा
ओले आहेत तुमची केसेस, यांची केस ओले आहेत, थोडे सुकू द्यावे लागतील आणि नंतर पॉलिथिनमध्ये अनित्य 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 हे सर्व वनिता सर आधी तुम्ही नखे आणि दंत हे सर्व अनित्य आहे. कोण आहे आणखी कुणाचे केस बांधलेले आहेत हे सर्व साधू बैठ जाओ ताई ताई बैठ जाओ नीचे. इधर हो जाओ. अरे तुम्हें कैसे भूल जाएंगे तो किसका बार किसको डालेंगे. तो अभी रुको, दोनों दोनों कटवा लो पहले, दोनों एक साथ देना. सगळ्यांनी काही वेळ केस आपल्याच हातात असू द्या, कारण थोडे ओलसर आहेत घामाने, तिथे सुकून जातील थोड्या वेळात. पिकले पण केस द्यायचे का? हो चालत, सगळे चालत. बत्तीजी तुम्ही केस हे त्याची कुणाकडे द्या दुसऱ्यांकडे आणि तुम्ही ते करणं सुरू करा. मुंडा मुंडा अरे जिसे प्लेट मंगाने प्लेट मंगानी चाहिए, पैसे ले रहा सॉरी काय झालं म्हणायला नाही पाहिजे. सकाळी काय झालं सगळे फ्रूट्स फ्रूटचेच आहेत माझे. होती है बाकी फिर बाद में होगा. ये यांच्याकडे एक आहे. अरे भंतेजी ते साईडला घे. एक पॅकेट आहे का यांच्या? हे आहेत ना याच्या हस्तात, मग त्याचं निघत नाही त्याच्या होतं की नाही करला यांनी बरोबर आणले ते तसे. फोटो पाठवते ना ते बरं झालं. जो 60 से ऊपर है और मजबूत है उनको दो, लेकिन शरीर हिल रहा है तो उनको कैसे दोगे? ते चौकोनी आहे दाखवून द्या माहिती ना.
कैंसर पेशंट पाउच मध्ये डोनेट कर कितनी जाए।